Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी रह गए। मकर संक्रांति को 2 हफ्ते बाकी रह गए, तो फ्रेंड्स इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और हर साल की तरह जो ये आज वीडियो बनेगा, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग जो है उन नए सब्सक्राइबर्स को बताएंगे कि पतंग किस तरह का खरीदना चाहिए किसी त्यौहार में जिनमें पतंगें उड़ती हैं। जैसे आपका लोहड़ी भी आने वाला है, लोहड़ी में पंजाब में बहुत पतंग उड़ता है, मकर संक्रांति उत्तरायण में पूरा यूपी गुजरात पंजाब सब जगह बहुत बहुत ज़्यादा पतंग उड़ता है, महाराष्ट्र में भी बहुत पतंग उड़ता है। तो फ्रेंड्स मेरे सामने ये पतंगे हैं। और तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पतंग किस तरह की खरीदनी चाहिए। तो मार्केट में तो फ्रेंड्स पतंग बहुत होता है, और क्या है कि मैं आपको बताऊं कि मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की पतंग भी होती है और बहुत घटिया क्वालिटी की भी पतंग होती है। तो उसकी पहचान कैसे हो? तो फ्रेंड्स पहचान बहुत आसान है, बहुत। सबसे पहले देख लीजिए मेरे हाथ में जो ये पतंगे हैं, दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी की है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की पतंग है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये सारी पतंगें जो रखी हुई है ये सारी की सारी बहुत ए ग्रेट क्वालिटी है, टॉप की क्वालिटी की पतंगें हैं फ्रेंड्स। और मतलब इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स पतंग अच्छी पतंग की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, आप ये देखिए पतंग एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जैसे ये पतंग है और ये मझोली की काइट है, एकदम नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं बहुत साफ सुथरा पतंग है। और ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये अधी की पतंग है फ्रेंड्स, ये भी बहुत नीट एंड क्लीन है, आप देखिए एकदम नीट एंड क्लीन। तो फ्रेंड्स आइए चलिए हम चेक करके देखते हैं कि पतंग किस तरह का होना चाहिए। कि पतंग को चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो इसके दोनों कॉर्नर को इस तरह से उंगली में लगाते हैं और इसको ऐसे करके धीरे से हम दबा करके देखते हैं। तो इसके अंदर एक लोच लपक होनी चाहिए, ऐसा देख रहे हैं, एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए और एकदम सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। एकदम सॉफ्ट का मतलब जो है वो भी पतंग ठीक नहीं होता, और एकदम हार्ड का मतलब भी ठीक नहीं होता। तो ठीक इसी तरह से जब हम कमान और खड्डा चेक करते हैं तो इसके अंदर भी जंप होना चाहिए। ये देखिए आप साउंड देख रहे हैं, इस तरह का अगर जंप नहीं होगा तो साउंड नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर सॉफ्ट होगा तो पूरा मुड़ जाएगा, तो फ्रेंड्स उसकी खींच वगैरह अच्छी नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो जब आप झप मोड़ेंगे तो टूट जाएगी, और बहुत टाइट पतंग जो फ्रेंड्स वो कंट्रोल में भी नहीं आती है। तो बिल्कुल एकदम इस तरह का परफेक्ट पतंग होगा तो वो कंट्रोल में आएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये अधी की पतंग है, ये भी बहुत ही अच्छा। ये देखिए फ्रेंड्स आप देखिए, बिल्कुल एकदम मीडियम इसका जो है जंप है। और इसको भी हम चेक करते हैं, इस वाले की भी जंप बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स ये तरीका होता है पतंग को चेक करने का, और पतंग को जो है आप लोग इसी तरह की पतंग खरीदिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरी पतंग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स में हम जो है ये वीडियो जो है पार्ट वाइज बनाएंगे, काफ़ी सारे पार्ट्स रहेंगे इसके अंदर, तो आप लोग हर पार्ट को देखना, एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट आ जाएगा, तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयार रहिएगा। और आप लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, मकर संक्रांति के लिए हम बहुत अच्छी आप लोगों को वीडियो देंगे। और मेरे को हमेशा इस तरह की नई वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। जैसे पिछले साल मेरे पास मकर संक्रांति में, और इस साल जो मकर संक्रांति उसमें 45,000 करीब फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स ऐड हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो इस करके मेरे को नए सब्सक्राइबर्स के लिए भी ये वीडियो बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप मान लीजिए कि अगर किसी शहर में रहते हैं तो वहाँ से किस तरह से, आप मान लीजिए कि अगर गुजरात में कहीं रहते हैं या पंजाब में रहते हैं या यूपी में कहीं रहते हैं या आप महाराष्ट्र में कहीं रहते हैं तो या दिल्ली में कहीं रहते हैं, तो फ्रेंड्स दिल्ली की पतंग की दुकान तो मेरे को मालूम ही है कि कहाँ कहाँ पे अच्छी पतंग की दुकान है। तो आप अपने शहर में से जो पतंग खरीदेंगे, जो सबसे पुरानी दुकान होती है, जो सारा साल पतंग बेचते हैं ना फ्रेंड्स, उन्हीं के पास जाइएगा, उन्हीं के पास जो है ओरिजिनल और अच्छा पतंग मिलता है। और जो बरसाती मेंढक होते हैं ना फ्रेंड, 2-4 दिन के लिए दुकान लगाते हैं फिर दुकान बंद कर देते हैं, तो उनके पास पतंगे वगैरह डोर वगैरह इतनी अच्छी नहीं मिलती। कोई कोई दुकानदार होता है उसके पास अच्छी भी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर के पास अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन जो परमानेंट शॉप होता है ना सारा साल के लिए होता है, और जो बहुत पुराना दुकानदार होता है, आप उसी के पास जाइए, उसी के पास से जो है इस तरह की पतंग को आप लोग खरीदिए। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो के अंदर हम आपको टेप लगाना, कन्ना बांधना, फिर मंझा किस तरह का लेना है, ये सब के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स मेरे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए, और इस वीडियो को बोलते हैं बाय, और बहुत जल्दी हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप रहिए तैयार।